दुबई, दोहा, मस्कट, मक्का और मदीना में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। जी हाँ, सिर्फ आपको करना है इलेक्ट्रिकल कोर्सेज, वो भी मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं और जो स्टूडेंट 3 महीने और 6 महीने में सीखते हैं उन्हें अल मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। साथ ही 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी यहां से किया जा सकता है। कोर्स करने के बाद आपको अच्छी पोस्ट जैसे कि इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन और टेक्नीशियन और अच्छी सैलरीज के साथ गल्फ कंट्रीज में नौकरी मिल जाएगी, जिसकी एलिजिबिलिटी बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई या कोई भी ग्रेजुएट और 12वीं और 10वीं पास के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल कोर्सेज में यहाँ पर सिखाया जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर HT-NLT पैनल, मोटर्स और हाउस वायरिंग जैसे कोर्सेज। साथ ही पूरे प्रैक्टिकल के साथ साइट विजिट भी कराया जाता है। और इतना ही नहीं, क्लाइंट इंटरव्यू प्रिपरेशन, फ्री स्पोकन इंग्लिश भी करवाया जाता है। अल मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एन इंस्टीट्यूट बाय गल्फ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स, जो कि एफिलिएटेड है AICVT से। आप कॉल भी कर सकते हैं एडमिशन और फ्री करियर काउंसलिंग के लिए इस नंबर पर 6289531085। अल मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर एजाजुल हक ने कहा कि हमारे यहाँ फीस 3 महीने के कोर्स की 11,000 है, 6 महीने के कोर्स की सिर्फ 20,000 और डिप्लोमा के लिए फीस 30,000 रूपए है। इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसकी ओपनिंग के मौके पर मोहम्मद इरफान खान, डायरेक्टर ऑपरेशंस, डॉक्टर खान मशहूर परवेज, PhD इंजीनियरिंग, ताहा यासीन, WBCS ग्रुप, कमर इकबाल सुपरवाइजर, फैकल्टी मोहम्मद अफसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सऊदी अरेबिया और अताउर रहमान XITI प्रिंसिपल भी शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये अल मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हवाले से ताहा भाई ने और हमारे एजाज भाई ने काफ़ी सारे बात आपके गोश गुजार कर दी है। मैं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ कौम के बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार उस कौम के नौजवानों के कंधे पर होता है। तो ये अल मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शक्ल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोला गया है। मेरी यहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं कौम के बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मौका को गनीमत जान करके इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल के शेर के साथ यही पैगाम है कि हर शाख से ये नुक्ते पेचीदा है पैदा, पौधों को भी एहसास है पहनाए फिज़ा का, जुल्मत कदे खाक पे शाकिर नहीं रहता, हर लहजा है दाने को जुनू नशो नुमा का, और फितरत के तकाज़ों पे न कर रहा है अमल बंद, मकसूद है कुछ और ही तस्लीम और रज़ा का, हो ज़ौक नमू की तो फिज़ा तंग नहीं है, ए मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एजाजुल हक हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है अल मदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि गल्फ एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की टीम ये इंस्टीट्यूट चला रही है और ये लोकेटेड है ब्राइट स्ट्रीट 4 नंबर ब्रिज के पास, पार्क सर्कस एरिया में। और ये इंस्टीट्यूट गल्फ एक्सपीरियंस इंजीनियर्स लोगों के द्वारा इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया है और इसमें अभी हम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, उसके अलावा सुपरवाइज़र वगैरह, तमाम जो जाना चाहते हैं सुपरवाइज़र में और जो भी स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे ITI डिप्लोमा या BTEC किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो हमारे यहाँ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हमारा सिलेबस जो करेंट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे बच्चे आराम से इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और जो भी इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो होता है और जो गल्फ में स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है उस पर हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो लाइक हमारे स्टूडेंट जो भी ट्रेंड होंगे ही विल बी एज गुड एज अ 5 ईयर्स गल्फ एक्सपीरियंस इंजीनियर और सुपरवाइज़र। तो हमारे यहाँ अभी 2 स्पेसिफिकली कोर्सेज चल रहे हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स है और एक डिप्लोमा कोर्स है। तो जो भी एनी ग्रेजुएट है या HS है या मैट्रिक किए हुए हैं और वो अपना करियर गल्फ में अच्छे जॉब में, अच्छे प्रोफाइल में बनाना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ उनके लिए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है, जहाँ उन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के साथ सिखाया जाएगा और क्लाइंट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया जाएगा और फ्री स्पोकन इंग्लिश भी इस कोर्स के साथ उनको सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो भी
टेक्निकल स्टूडेंट है जो ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, BTEC किए हुए हैं, तो उनको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उन्हें एक प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जो गल्फ स्टैंडर्ड है वो अच्छे से ट्रेनिंग करा कर, जहाँ भी अच्छी कंपनीज आती है, हमारा टाई अप है ऑफिसेज से बहुत सारे, तो हम लोग उनको पूरा गाइड करेंगे जो उनको एक अच्छी जॉब मिल सके और वो अपना करियर गल्फ में इस्टेब्लिश कर सके। इलेक्ट्रिक में क्या क्या सर्विस देते हैं और चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिकल कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है, उसका फीस 20,000 है, और एक 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है उसका फीस 30,000 है, और एक 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा कोर्स है उसका फीस 60,000 है, और हम इंस्टॉलमेंट भी फीस इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं जिनको अगर प्रॉब्लम एक बार नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने इंस्टॉलमेंट का भी सहूलत रखा है कि वो इंस्टॉलमेंट में भी फीस पे कर सकते हैं। आप कहते हैं आपका चीफ है कि और भी जो वहाँ पर हमारे जो कोर्स डिज़ाइंड है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हमने जो कोर्स को डिज़ाइन किया है वो लेटेस्ट जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है। अभी हम तमाम को पता है कि सऊदी अभी बहुत डेवलप्ड हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट आ रही है, जैसे कि नियोम प्रोजेक्ट है, द लाइन है, तो अभी वहाँ सऊदी में मिलियंस ऑफ जॉब अवेलेबल है और समझ लीजिए थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, तो हम लोग उसी हिसाब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। गल्फ में स्पेसिफिकली सऊदी अरब जा सकते हैं, दुबई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, उसके अलावा अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी वैकेंसीज आ रही है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो जा सकते हैं स्टूडेंट जो भी ट्रेनिंग करेंगे। आप लोग जॉब लगाते हैं बच्चों? जी हमारा बहुत सारे ऑफिस से टाई अप है, हम लोग इस तरह से ट्रेनिंग करा देते हैं कि स्टूडेंट आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सके। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, और जो आउट स्टेशन स्टूडेंट हैं जो कोलकाता से बाहर रहते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट है जैसे बिहार, झारखंड, आसाम या उड़ीसा या कहीं से भी UP से, तो उनके लिए हमारे यहाँ हॉस्टल के भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हॉस्टल भी अवेलेबल है और फूडिंग भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं ताकि उनको कोई दुश्वारी ना हो। जी हमारा इंस्टीट्यूट जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से एफिलेटेड है, और ये सर्टिफिकेट जो आपका वर्ल्ड वाइड इसको जो है एक्सेप्टेंस है, इंडिया में भी और बाहर कंट्रीज़ में भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेंस मिलेगा। अगर कोई बच्चा जॉब पाता है तो उसकी सैलरी क्या होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। जी तो टेक्नीशियन में देखिए, अगर कोई जाता है तो टेक्नीशियन में 40,000 प्लस सैलरी अवेलेबल है अभी मार्केट हिसाब से, और अगर सुपरवाइज़र में जाएंगे तो 60,000 प्लस है, और इंजीनियर में जाते हैं तो 1 लाख के आसपास या 1 लाख प्लस ही सैलरी रहता है INR के हिसाब से। हमारे लिए मैसेज यही है कि बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं गाइडेंस की कमी होने के वजह से, हालांकि टैलेंट रहता है, एजुकेशन भी रहता है उन लोगों का, मगर वो गाइडेंस नहीं होने की वजह से हेल्पर या क्लीनर में जाते हैं, तो हमारा ये इंस्टीट्यूट करने का मकसद ये रहा कि हमारे टीम में बहुत सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इंजीनियर है, तो हमारा मकसद ये है कि उनको हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग दें ताकि वो लोग एक प्रॉपर कंपनी में जाएँ और अपने करियर को डेवलप करें, और ना कि हेल्पर क्लीनर में जाए बल्कि सुपरवाइज़र में जाए, इंजीनियर में जाए, फोरमैन में जाए, अच्छे काम में जाए और अच्छी कंपनी में जाए। कौन कौन ट्रेनर है, नाम बताओ क्या कुछ? ट्रेनर है यहाँ पर, जैसे हमारे पास अभी एक PhD होल्डर, लाइक ही इज़ अ PhD होल्डर इन इंजीनियरिंग, डॉक्टर मसूद खान परवेज़ है, और एक डॉक्टर अताउर रहमान है जो कि ITI फालता में प्रिंसिपल रह चुके हैं फ्रॉम 5 ईयर्स, और इसके अलावा ऑलरेडी गल्फ एक्सपीरियंस में इंजीनियर्स मौजूद है जो ऑलरेडी गल्फ में जॉब कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो वो लोग भी ऑनलाइन कनेक्ट होकर आपको प्रॉपर जो लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है, या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं 6289531085, और हमारा ऑफिस भी आप आकर विजिट कर सकते हैं। एड्रेस क्या है? ब्राइट स्ट्रीट नियर नूरी होटल, 4 नंबर ब्रिज के पास आप आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है 40/1 अलमदीना टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे बच्चों को कुछ पता अगर नहीं होता 12th के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे एक करियर गाइडेंस के तरह काम करता है। यहाँ पे उन लोगों को टेक्निकल के ऊपर जो है बहुत सारा कोर्सेज है अवेलेबल जो यहाँ पे कराया जाता है, और ख़ास करके उन लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है कि टेक्निकली रिलेटेड कैसे प्रैक्टिकल काम क्या क्या हो सकता है। जैसे बहुत सारा डिप्लोमा कोर्सेज होता है इलेक्ट्रिकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बहुत सारा कोर्सेज कराया जाता है, जो खास करके मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ में काम आ सकता है। यहाँ से अगर कोर्स करके जाएंगे तो वहाँ पे उन लोग को जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे स्पेशली ज़्यादातर जो इंडस्ट्री बेस्ड जॉब होते हैं और जो कंपनी में काम आते हैं, वही सब चीज़ डायरेक्टली सिखाया जाता है कि कंपनी रेडी किया जाता है यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में, और बहुत ही नॉमिनल फीस में। और मतलब जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे आकर के बहुत ही हेल्प होता है। আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এখান থেকে তো আমরা কারিকুলাম বা একটা বেসিক সিলেবাস আমরা পড়ি, তার সাথে ইন্ডাস্ট্রির একটা হিউজ গ্যাপ আছে। সেই যখন তারা পড়াশোনা করে ডিগ্রি নিয়ে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যায় তখন তারা সেখানে গিয়ে ফিট হতে পারে না। তো আমরা এখানে আলমদিনা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে হচ্ছে সেই ব্রিজ, যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির সাথে ইন্ডাস্ট্রির একটা বন্ডিং তৈরি করবে বা সহজে যাতে ফিট করে যায়। তার জন্যই আমরা আলমদিনা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে সব স্টুডেন্টদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি, যাতে এই ব্রিজে এসে তারা তাদের ক্যারিয়ারকে ব্রাইট করতে পারে। আমার নাম হচ্ছে ডক্টর খান মাসুদ পারভেজ। আমি পিএইচডি ইন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম আলিয়া ইউনিভার্সিটি নিউ টাউন কলকাতা। मैं तो खुद बरसों से काम कर रहा हूँ, कम पर भी 7-8 साल से सऊदी में हूँ। तो वहाँ सऊदी अरामको में काफ़ी जॉब है। अभी नियोम का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी हुंडई और डेसिंग जैसे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें अपने प्रोजेक्ट में वो बच्चों को ले रही है। जो फ्रेशर्स हैं उनको खास करके ले रही, ताकि उनमें काम करने का उत्साह ज़्यादा होता है। कम पर भी अगर आप मिनिमम सैलरी अगर लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो 40-50 हज़ार से नीचे तो किसी की सैलरी नहीं होती है। अगर वो कुछ टेक्निकल सीख कर जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन से लोग रिलेटेड जाते हैं, या फिर आप किसी भी खास करके इलेक्ट्रिक और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लोग अगर जा रहे हैं काम में, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है। लोगों को वहाँ डिमांड है इन लोगों का। मेरा नाम कमर इकबाल है।